करे अपने सोने का ताज उठाकर दे डाले रात में, ले को जाको बेच को तेरी बेटी की शादी कर ले जा बाबू। सुबह में देखे तो ताज है नहीं। अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मालूम नहीं। अरे वो जहाँ जाकर बेचा, अरे ये तो गरीब नवाज का है, क्या किया जाए? कौन दिए? देने वाला कौन? किसी और ने नहीं दिया, खुद गरीब नवाज ने उठा कर दिया। खुद का माल चोर को खुद उठा कर दिए। तो लोगों ये मत समझना हम औलिया की बारगाह में जाते हैं, हमारी नीयतें उनको नहीं मालूम होती। सवाल ऐसा नहीं है, मालूम होती है। मालूम होकर भी वो तुम्हारे तरफदार में होते हैं, ये पहचान है औलिया की। वो तुम्हारे तरफदार में होते हैं ताकि तुम्हारा दिल ना दुखे, यानी तुम्हारे वो जानते हैं पहचानते हैं, मगर क्या है तुम्हारे ही तरफदार में होते हैं। वली इस तरह होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के वली के भी वली हैं गौसे आजम। इनके घर भी चोर आया था, इनके घर भी बड़ी अच्छी बात है, इनके घर भी क्या है चोर आया था, मगर क्या किया चोर गौसे आजम का है। अरे बड़ा माल वाला, बड़ी दौलत वाला, क्यों शाही लिबास, बादशाह है वक्त के पास भी ऐसा लिबास है जो गौसे आजम पहनते हैं। जब बाहर निकलते हैं उनके लिबास की चमक सारे लोगों में छा जाती है, ऐसा लिबास किसी बादशाह के वक्त में भी नहीं है। वो इतना कीमती लिबास पहन देते, वो देखा हजारों को खिलाते हैं, लंगर बढ़ता है, सबकी मुरादें पूरी करते हैं, और चलो जाकर देखें क्या है क्या है, ये सब कुछ कैसा करते हैं। अब वो जान गया, अब वो जान गया, क्यों? उसको भी मिलना था ना, उसको भी कुछ ना कुछ मिलना था, मिला तो बाद में, लेकिन उसका सदका भी मिला, जान गया। ये सारी करामत गौसे आजम के फेटे में छाए हैं, समझ गए? इसमें है फेटे में है। कोई बीरवे को देखता, कोई संदोखा को देखता, होते देखते बीरवे को संदोखा को नजर पड़ती, मगर ये चोर पहली बार ऐसा है कि सरकार के फेटे पर नजर पड़ी। मेरा फेटा नको देखो तुम लोग, हाँ इसमें क्या भी नहीं मिलता, बात समझ में आई ना? वो गौसे आजम के पेठे पर नजर पड़ी और देखा सब इसमें छे छे, क्या किया जाए? ये ले ले तो बस हो गया काम, ये ले ले तो बस हो गया काम। क्या किया? वो भी रात में छुपते नजर से गया। अब गौसे आजम के पास एक बड़ा कीमती वाला हीरा था जिसका चर्चा सारे बगदाद में था, बहुत बड़ा कीमती वाला हीरा था, सरकार गौसे आजम अपने पास रखते थे, ये सबको मालूम था। अब इसने क्या किया, फेटा अगर से मिल गया तो क्या किया जाए? वो हीरा भी लेकर निकल जाओगा। अब वो क्या किया, पहले आया हीरे की तलाश किया, मगर हीरा हाथ को लगा नहीं। क्या किया? चलो हीरा मिला चले, कम से कम जो करामत है वो पेठा ले को चले गए तो जाता है। अब सरकार गौसे आजम जहां सो रहे हैं सिराने फेटा रख को है। अब गया वो खरीब गया, खरीब गया। अब गौसे आजम को मालूम कि नहीं मालूम? अरे जरा जोर से सो रहे हैं भाई, सो सो लोगों को मालूम होता, मालूम होता ये हमारी तुम्हारी नींद नहीं है, अल्लाह के महबूब की नींद है। किसकी नींद है? महबूब की नींद है। जैसा सामने देखते हैं वैसा पीछे देखते हैं, जैसा ऊपर वैसा नीचे। जब नीचे नजर जाती है तह तो सरा तक चली जाती है, जब ऊपर जाती है अर्शे आजम तक चली जाती है। तो अजीज गौसे आजम सो रहे, फेटा सिराने गया, फेटे को हाथ लगाकर उठाया। जब पेठे को हाथ लगाना था आंखें चली गई, आंखों में रोशनी चली गई, डर का ऐसा लगता लगा क्या ये समझ में चाहे नहीं उसे। फिर क्या करे, दोबारा फिर पकड़ा, फिर पकड़ते साम क्या किया, फिर आंखों में रोशनी चली गई, फिर डर को रख डाले, क्या करना ये समझ में आता नहीं। फिर जल्दी उठाया सर, जल्दी भागेंगे कैसे, खत्मा डाला, पेठे को हाथ लगाता रोशनी जाती, लगता तो फिर आ जाए। बात समझ में आई ना? मगर गौसे आजम सो रहे हैं। उसने जो कहा है सारी करामत फेटे में छे, अब ये करामत फेटे में है या गौसे आजम में है? अरे पहचान है भी, इम्तिहान है, ये करामत किसमें है, गौसे आजम में या फेटे में है, क्या नहीं? वो सो रहे हैं मगर देख रहे हैं, मगर ये भी ठगने वालों में से नहीं था। बार बार उठाता था आंख चली जाती, एक कदम जाता था पेठा रख देता था, उठाता था यहाँ तक जाता जाता चौखट तक लेकर गया।
अब बैठ गया मैं नहीं जा सकता, अब मेरे से नहीं होता, हाथ लगाया तो हंगिया चले जाती है, रखा तो आ जाते हैं, क्या करना, अब नहीं जा सकता, मजबूर होकर बैठ गया वहीं पर। क्या तो भी होने ये ले कुछ जाना ले तो क्या क्या होना है बैठ। इतने में गौसे आजम जाग गए, देखा चौखट के करीब अम्मा पेठा लेकर बैठा है, कौन है, चोर। पूछा क्या है, यह गौसे आजम माफ कर दे मैं आपका पेठा चुराने आया, मैंने समझा सारी करामत इसमें छे। अब गौसे आजम ने फरमाया अच्छा सारी करामत इसमें छे, फिर लेको क्यों नहीं गया, लेको क्यों नहीं गया, कैसा लेको जाना, हाथ लगाया तो हम क्या चले जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता, कैसा लेको जाना, मगर हीरा तो लेको जाना, क्या लेको जाना, हीरा तो लेको जाना, मगर हीरे को देखो मिलिया नहीं। मैं सुना बहुत बड़ा हीरा, अच्छा मशहूर हीरा है सुनिया से, अरे नादान कहाँ देखा, सब जगह ढूंढा नहीं, सब जगह ढूंढा नहीं, कोई जगह फोड़ा नहीं, बोले देखो वहां कचरे का डब्बा है उसमें देखा क्या, कचरे का डब्बा है उसमें देखा, अब कचरे का डब्बा देख रहे तुम, अब कचरे का डब्बा होना गिरा है उसमें हीरा मिले, बात समझ में आ रही है, वलियों की बारगाह है हीरे कचरों में रखते हैं, वो हम है छोटी चीज भी संदूकों में बीरह में डाल डाल किले में डाल डाल कर रखते, मगर वलियों की बारगाह कीमती हीरे कहाँ रखते, कहाँ रखते, संदोखा को बीरह को जाने वाली नजर कचरे के डब्बे को जाती नहीं, बात समझ में आई ना, मगर हीरा कचरे में भी रहेगा तो हीरा कहता ना, वो संदोक में रहे बीरे में रहे या कचरे में रहे हीरा हीरा करता, बात समझ में आई, ये बात याद रख लो, अब वो हीरा लिए, अरे नादान तू आया उसके लिए, अब बोल ये होना ये होना, ये होना या ये होना, मगर क्यों, वो भी बड़ा होशियार था, वो भी बड़ा होशियार था, मौला हजरत मुझे वो नक्को ये दे, बोले ये नक्को ये दे, बोले तो गौसे आजम मुस्कुराए आ और उसे बुलाए सीने से लगाया और गौसे आजम का अमामा उसे अता कर दिया, जब वो अमामा सर पे रखा वो वक्त का अब्दाल बन गया, वक्त का अब्दाल बन गया, मगर गौसे आजम ने क्यों पूछा, ये चाहिए वो चाहिए, गौसे आजम ने पूछा देख दुनिया इसमें है, देख आखिरत इसमें है, तुझे दुनिया चाहिए या आखिरत, बस समझ में आई ना, अब वो भी होशियार था उसकी नसीब थी उसको अब्दाल बनना था, वो बोला हजरत मुझे दुनिया ना को मुझे आखिरत दे दो, बस आपका सहारा दे दो, जब जाकर उसे अब्दाल बनाया, ये गौसे आजम है, क्या है, गौसे आजम है, चोर को भी अब्दाल बनाएंगे, अरे जिनके जिक्र में जिनकी महफिल में आज हम और आप बैठे हैं, जब चोर उनकी महफिल में अब्दाल बन सकता है, चोर उनकी महफिल में अब्दाल बन सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हम मुसलमानों पे भी एक नजर करम हो गई तो हमारी तकदीर भी बन जाएगी ना, है अकीदा है मोहब्बत, तो अल्हम्दुलिल्लाह वली का दरबार अगर कुत्ता भी पकड़ लेता है, वली की बारगाह दरबार अगर कुत्ता भी पकड़ लेता है जन्नती हो जाता है, कुत्ता जन्नती, हाँ सर कुत्ता जन्नती हो जाता है वली की बारगाह पकड़ लेता है, अब हम तो उम्मत मुस्तफा हैं, हम तो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अगर हम पकड़ लेंगे जन्नती होते कि नहीं होते, अगर कोई मुनाफिक कह दे वली की बारगाह से कुछ नहीं मिलता, अरे नादान सुन, कुत्ते को जन्नत मिल सकती है तो इंसान को क्या नहीं मिलेगा।